everyone. कैसे हैं आप सब? So face की हालत हो गई है एकदम down, तो हमें चाहिए एक instant glow up. So are you ready? So इसके लिए हम use करेंगे home remedies and मैं लूँगी थोड़ा सा बेसन and एक दो drop lemon की and then some honey और इसमें हम add करेंगे थोड़ा सा gel जो कि है rosehip gel जो कि बहुत ज़्यादा कमाल का है and then एक drop tea tree oil की. सो इसके बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे एंड कंसिस्टेंसी हमें थोड़ी सी थिक ही रखनी है. सो नाउ वी आर रेडी फॉर द फेस मास्किंग. सो खुले बाल नो. तो नाउ इट इज़ परफेक्ट. सो नाउ वी कैन स्टार्ट अप्लाइंग दिस फेस पैक. तो इसमें हमने मिलाया है बेसन जो कि टैन रिमूवल का काम करता है और ये जो ब्लैमिशेज वगैरह होते हैं इनको फेड करने में हेल्प करता है. एंड देन इसमें है लेमन. लेमन जो हमारे डार्क स्पॉट्स होते हैं उनको थोड़ा सा फेड अवे करता है और स्किन में यू नो ब्राइटन इफेक्ट देता है. एंड देन इसमें है हनी जो कि हमारी स्किन को मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड कराता है. देन इसमें हमने डाला है रोज़हिप जेल जो कि यू नो इसकी कंसिस्टेंसी के लिए है एंड एट द सेम टाइम ये हमारे जो फेस पैक्स से हमारी स्किन को सूथ करता है. सो टी ट्री ऑयल जो है वो बैक्टीरिया को थोड़ा सा दूर रखने में हेल्प करेगा. सो दिस इज़ ऑल टाइम फेवरेट फेस पैक ऑफ माइन. तो इसे आप अच्छी तरह से अपने फेस पे लगा लें एक गुड लेयर एंड या. तो अब ये हो चुका है अच्छी तरह से. इसको हम नेक पे भी लगा सकते हैं बट अभी मैं नहीं लगा रही हूँ. सो इस फेस पैक को आपको रखना है 20 मिनट्स, ज़्यादा देर तक आपको नहीं रखना है. सो उसके बाद मैं मिलती हूँ, उसके बाद आती हूँ. सो नाउ आई एम हेयर विद माई फेस पैक. ये अच्छी तरह से सूख चुका है एंड इसको आप यू नो स्क्रब भी कर सकते हैं, अच्छी तरह से मसाज इसको कर सकते हैं सो दैट जो भी डेड पार्टिकल्स होंगे वो निकल जाएंगे. सो मैं वॉश करके आई. सो हेयर इज़ माई क्लियर स्किन और ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है. एज़ यू कैन सी काफ़ी अच्छे से इसने साफ कर दिया है. सो नाउ आई विल बी यूजिंग दिस NY बेस सिरम जो कि है ब्राइटनिंग सिरम. तो इसको मैं अच्छी तरह से टैप कर लूँगी अपने फेस पे एंड बहुत अच्छी तरह से अपने फेस पे इसको लगा लूँगी. और आप इससे अपने फेस को एक अच्छी सी मसाज भी दे सकते हैं सो दैट ये आपकी स्किन में बिल्कुल अब्सॉर्ब हो जाए. सो या दिस इज़ ऑल डन. नाउ इट्स टाइम टू स्लीप. ओके बाय.